इवनिंग, गुड आफ्टरनून, सुप्रभात सभी लोगों को। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि रतलाम रतलाम स्टेशन और जीएमसी रतलाम अपन से कितना दूरी है। नियरली 7.3 किलोमीटर की दूरी है और 16 मिनट लगेंगे आपको यहाँ तक के पहुँचने में। मैं आपको बस इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूंगा कि आपको क्या क्या ध्यान में रखना है जब आप कॉलेज में आए लेने के लिए, सारा चीज़ करने के लिए काउंसलिंग के वक्त। तो रतलाम जंक्शन आपका यहाँ पे आपको दिख जाएगा और यहाँ इसी रस्ते में रतलाम जंक्शन से निकलते से ही आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे, होटल शिवजी, हजारों होटल्स मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, रस्ते में ही मिल जाएंगे आपको बहुत सारे होटल्स। तो उस सब का आप ध्यान रख सकते हैं और आप होटल चाहिए तो यहाँ पे 700-800 हज़ार के रेंज में आपको मिल जाएंगे रूम्स, तो फिर आप वो भी ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं अपना एक होटल भी बता दूंगा जो मैं हम लोग ने बुक किया था जब हम लोग आए थे, तो वो होटल का अंदर इंटीरियर भी मैं आपको शायद से दिखा दूँ। फिर इस चीज़ में मैं आपको एक और एक बता देता हूँ कि ऑटो की फैसिलिटी है, साथ ही साथ मैजिक की भी फैसिलिटी है, बस फैसिलिटीज भी हैं आपको यहाँ रेलवे स्टेशन से जीएमसी रतलाम तक के पहुँचने का। ऑटो का मैं बता देता हूँ कि ऑटो वाला कम से कम 150 बोलेगा, लेकिन आप चाहिए तो 120 कर सकते हैं या फिर 100 में ही निपटा सकते हैं उसको। 100 में आपका ये पूरा जर्नी कवर हो सकता है। और मैजिक का यदि मैं बात करूँ तो मैजिक दो हिस्सों में आपको जाना पड़ेगा, दो बार मैजिक आपको लेना पड़ेगा। एक आपको रतलाम जंक्शन से लेके टैकिस तक जाना पड़ेगा, लोकेंद्र टैकिस तक, लोकेंद्र टैकिस से फिर वो आपको ऊपर ले जाएगा जीएमसी रतलाम की ओर। तो लोकेंद्र टैकिस तक के आपको लगेंगे 20 रुपये और लोकेंद्र टैकिस से जीएमसी रतलाम तक के आपको लगेंगे 20 रुपये, टोटल मिला के हो जाएंगे 40 रुपये। तो आपका मैजिक में कम पैसा खर्च होता है, लेकिन मैजिक की अवेलेबिलिटी नियरली रात में 7 या 6 बजे तक ही रहती है, फिर मैजिक कम होने लग जाती है और आपको नियरली ऑटो ही दिखता है मोस्टली। तो ऑटो वाला 100 रुपये ले सकते हैं या 150 जैसा आप चाहें, आप यदि बार्गेनिंग में अच्छे तो 100 तक के आप पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑटो वाला आपको पहुंचा देगा 100 रुपये में, ये मैजिक हो जाएगा। बस स्टैंड यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे बस स्टैंड भी मौजूद है। यहाँ से रतलाम जंक्शन से निकलते से ही आपको यहाँ पे सैलाना बस स्टैंड और महुआ बस स्टैंड मिल सकता है। रतलाम बस स्टैंड यदि आप देखेंगे तो महुआ बस स्टैंड ये वाला है और इसी बस स्टैंड में आपको बहुत सारे बस मिल जाएंगे कॉलेज तक के पहुँचने के लिए, वो भी 20 रुपये के आसपास ही लेगा। फिर एक और एक बस स्टैंड है जो कि सैलाना बस स्टैंड कहलाता है और वो यहाँ पे कहीं पे मौजूद है, सैलाना बस स्टैंड रतलाम का। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि ये ज़्यादा दूर नहीं है इंदौर और उज्जैन से, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रतलाम से अपने पास में इंदौर पड़ता है, उज्जैन पड़ता है, इनफैक्ट नागदा भी पड़ता है, फिर जावरा भी है और बहुत सारे जगह हैं, धार भी है, यहाँ सबसे लोंगवांग आते हैं, झाबा भी है, दाहोद भी है, फिर यदि आप देखें तो इंदौर देवास भी पास में ही पड़ता है, फिर भोपाल थोड़ा सा दूर पड़ जाता है लेकिन 5-6 घंटे के ट्रेन से काम हो जाता है। साथ ही साथ राजस्थान में भी यदि आप लोग देखें तो राजस्थान से लोंगवांग आते हैं, कोटा से आते हैं लोंगवांग, कोटा यहीं कहीं आसपास होना चाहिए, नीमच से भी आते हैं, मंदसौर से भी आते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि कोटा से भी आते हैं लोंगवांग, मंदसौर से भी आते हैं, नीमच से भी आते हैं, जो भी रतलाम के आसपास हैं वहाँ से सब लोग आते हैं और सब लोग जीएमसी रतलाम की ओर प्रस्थान करते हैं।